साथियों, 4 तारीख को मुंबई में जो प्रोग्राम होने वाला था उसमें मैं भी गया था वहाँ, लेकिन जो स्टेटेड मतलब जो हुआ वहाँ, जो पहले ही सबको ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर्स को और सभी को जैसे डिटेन कर लिया, वो एक बहुत ही शर्मनाक है। उसको हम लोग देखा, हम लोग ने क्या क्या सभी को कैसे डिटेन कर लिया, पुलिस ने हम लोगों के लोगों से वहाँ ज़्यादा पुलिस था। तो जो भी हो, बात ऐसा है कि मतलब सातरा भारती जो काम कर रहा है, आप लोग देखोगे नरेंद्र ढवोलकर जी का भी जो भी हुआ, यह अभी हो रहा है क्या कि मतलब 2014 से उसी से पहले आरएसएस और बीजेपी ने सिचुएशन क्या बना दिया है हम लोग का, देश का। जो लोग रैशनल बात करता है, ढवोलकर जी भी जो बोल रहा था अंधविश्वास के खिलाफ जो बात कर रहा था, मतलब जो ये खत्म होना चाहिए, तो जो प्रोग्रेसिव बात करता है, जो रैशनल बात करता है, उन सभी लोगों को मार दिया जाता है। अब देख लो गौरी लंकेश के साथ क्या हुआ। जब भी उसने हिंदुत्व के खिलाफ जब बोला उसने, और सभी का रैशनलिस्ट थिंकर जो भी हो, लास्ट एक दो तीन साल में आप लोग देखोगे कि महाराष्ट्र में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, जो लोगों को मारा जा रहा है रैशनलिस्ट और प्रोग्रेसिव थिंकर को, ये एक वो एक आ, आ, ए, एक जगह का ही बात नहीं है, एक ये एक थोड़ा टोटल एक प्रोसेस है, इट्स ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। एक्चुअली क्या हो रहा है, देखिए एक ये प्रोसेस बनाया गया है आरएसएस और ये पूरा बीजेपी आरएसएस का एक वो एक प्रोसेस है, थिंकिंग ऑफ प्रोसेस है, जिसको उन लोगों ने बनाया है कि ताकि रैशनलिस्ट थिंकिंग वाला लोग निकल के ना आए, आप मनुवाद के खिलाफ मत जाओ, जो सिचुएशन मतलब मनुवाद के खिलाफ मत जाओ, दलित लोगों को जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उन लोगों को आप ऊपर आने नहीं देंगे, ऐसा एक सिचुएशन बना दिया है। तो महाराष्ट्र में भी हो या असम में हो, कहीं पे भी हो, इस सिचुएशन को हम लोगों को इस सिचुएशन में निकल के आना होगा। देखिए इसको कैसे आ सकता हूँ हम लोग, एक ही होगा कि यह सिर्फ मूवमेंट से हो सकता है, मूवमेंट और होगा स्टूडेंट मूवमेंट होगा, कहीं पे भी हो, यूनिवर्सिटी अभी आप देखते हो 2-3 साल से बीजेपी गवर्नमेंट आने से, उससे पहले भी फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट आने से महाराष्ट्र में हो या 30 मूवमेंट को ही आप देख लो महाराष्ट्र में, या दिल्ली में जेएनयू को देख लो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो हुआ, आईआईटी मद्रास में जो हुआ, यूनिवर्सिटी स्पेस में, बेसिकली यूनिवर्सिटी स्पेसिस में ये इस रिजिम के खिलाफ, इस बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे लोग एकजुट हो रहा है, स्टूडेंट लोग एकजुट हो रहा है। तो हम लोगों का यही काम होगा कि हम लोग यही करना होगा हम लोगों को, और ये जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को और स्ट्रॉन्गर बनाना होगा सभी लोगों को, यूनिवर्सिटी स्पेस में ही नहीं, सिर्फ बाकी लोग में, बाहर में भी जाके, ग्राउंड में भी जाके हम लोगों को काम करना होगा, सभी स्टूडेंट को एकजुट होके काम करना होगा, तभी हम लोग ये रेजिम के खिलाफ, वो आरएसएस बीजेपी का जो थिंकिंग है, जो भी प्रोग्रेसिव रैशनलिस्ट लीडर है, जो भी रैशनलिस्ट प्रोग्रेसिव थिंकर है, मारने का काटने का जो उन लोगों का आइडियोलॉजी है, उसको अगर खत्म करना होगा तो हम लोगों को एक साथ जुट के काम करना होगा। मैं यही बोलना चाहूंगा। जय हिंद सटियो, इंकलाब जिंदाबाद।